तो भाई लोग कैसे हो सब लोग, तो अगर मैं कौन नहीं वीडियो में, जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि नेक्स्ट वाली वीडियो में मैं फाइनल बॉस से फाइट करने वाला हूँ। तो चलो ठीक है, देखते हैं कौन है ये फाइनल वाला बॉस और कितना ज़्यादा पावरफुल होगा। E2 स्प्लेंड 2 के अंदर अपनी फाइट होने वाली है। यहाँ पे कुछ दिखा रहा है, जेट वगैरह पीबो दिखा रहा है यहाँ पे, और नैना भी दिखा रही है। मुझे ज़्यादा लगता है नैना भी हो सकती है। डीप पैनिक के अंदर अपनी फाइट होने वाली है और राउंड वन भाई देखने में तो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक लग रहा है। बैकग्राउंड नीचे ऑरेंज और ब्लू कलर का अपने को ग्राउंड देखने को मिल रहा है। वॉइड रूम नाम है इसका। डैमेज सही लग रहा है, शायद मैं जीत जाऊंगा। मेरी ऑटोमेटिक भी हेल्थ जा रही है, वो भी मुझे ध्यान रखना पड़ेगा। अरे भाई गंदा मार रही है यार ये भी। क्या मेरी ऑटोमेटिक हेल्थ जा रही है, बट मैं हरा दूंगा इसको। नेक्सस इज डिबेटिंग, ये क्या सीन है भाई। द स्पेयर बिलोंग टू शैडो, ये क्या हो गया भाई। रिजेक्ट, ये क्या चीज़ है भाई। ये तो मैं फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ शैडो फाइट 3 के अंदर, पता नहीं क्या चीज़ है। डायनेसिटी बिट्रेड शेडो ऑब्जेक्शन आई एग्री रिजेक्ट, ऑटोमेटिक रिजेक्ट हो रहा है और इसको मैं सिलेक्ट कैसे करूँगा भाई, जो भी बता रहा है दबाने का। अब मुझे नहीं पता है कि ये वाली फाइट को मैं कैसे भी नो पाऊंगा, इस फाइनल बॉस को मैं कैसे हरा पाऊंगा। द वाइड रूम नाम है इसका, काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है। देखो मैं अगर लगातार मारूँ ना तो मैं जीत सकता हूँ, बट ऑटोमेटिक है बीच में कुछ डिबेट वगैरह करने लगती है। कोई अपने से क्वेश्चन पूछा जाता है उसका आंसर कैसे देना मुझे वही नहीं पता है भाई। ऑब्जेक्शन या फिर आई एग्री, ऐसा दो ऑप्शन दिखाता है वहाँ पे। लास्ट टाइम तो वही दिखा रहा था, फिर से डिबेटिंग वाला सीन आ चुका है भाई। डिबेट ही करवा लो ना, फिर खिलाई हो रहे हो। बिलोंग टू द पीपल ऑब्जेक्शन आई एग्री, फिर से भाई गलत हो गया। रिजेक्ट, अरे मैंने कुछ दबाया नहीं तो रिजेक्ट कैसे हो गया ऑटोमेटिक भाई। मैं तो लड़ रहे मैं भाई मारते रहता हूँ, बट यार क्वेश्चन का आंसर देना कैसे मुझे ये सीखना पड़ेगा। अदरवाइज भाई मैं दूसरा राउंड भी हार गया और मुझे लगता है कि ऐसे मैं थर्ड वाला राउंड भी हार जाऊँगा। थर्ड वाले राउंड में मैं थोड़ा सा ट्राई करूँगा कि इसमें क्या करना है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ अभी, क्योंकि मैंने फर्स्ट टाइम शैडो फाइट 3 के अंदर ऐसा कुछ देखा कि फाइनल बॉस से वो फाइनल वाला बॉस अपने से डिबेट वगैरह कर रहा है। अभी तक अपने को ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला था। फाइट स्टार्ट होते ही मैं उसमें दे देता हूँ जल्दी से, जैसे कि ये डिबेट ना कर पाए। बट यार ये करी लेगी, मुझे पता है कितना भी मारो एकदम से ये ऊपर उछलेगी और फिर अपने से क्वेश्चन पूछा जाएगा भाई। वो देखा कि विक्रम बेताल भाई, वही वाला सीन है भाई। क्वेश्चन पूछ रही है, अगर क्वेश्चन गलत दे दिया तो भाई कुछ रिजेक्ट लिखा जाता है। स्पेयर बिलोंग द शैडो, इस बार मैं पीछे आ रहा हूँ। हाँ ठीक है, चलो मुझे आ गया समझ। अगर मुझे एग्री करना है तो मुझे, देखो मैं आपको बताऊँगा इस बार, मैं आपको बताऊँगा अगर मुझे ऑब्जेक्शन लेना है, मुझे आगे जाना है, एग्री करना है तो मुझे पीछे आना है। तो मैं पीछे आ रहा हूँ क्योंकि मैं एग्री कर रहा हूँ और एक्सेप्ट हो गया देखो, और मेरी हेल्थ ऑटोमेटिक बढ़ने लग गई। तो अब मैं थोड़ा समझ गया हूँ कि क्या मुझे करना है। पर ये यार क्वेश्चन वाला सीन बहुत गलत है यार। कंटिन्यू फाइट होनी चाहिए तो मज़ा भी आया, बड़ी क्वेश्चन पूछने लगती है। शायद मैं ये वाला राउंड जीत जाऊँ यार, मेरे एक तो वेपन में भी दम नहीं लग रहा मुझे। देखो उस बार मैं ऑब्जेक्शन ले रहा हूँ, एग्री करना है तो मुझे आगे जाना पड़ेगा, और मैंने गलत ऑब्जेक्शन ले लिया भाई। डैमेज भी उसको कम लग रहा है, फिर से वो एक क्वेश्चन पूछेगी, बार बार क्वेश्चन का आंसर अपने को देना पड़ेगा। शैडो माइंड इज़ गिल्टी आई एग्री, या नहीं भाई वो कोई गिल्टी विल्टी नहीं है शैडो माइंड, मैंने गलत आंसर दे दिया। यार देखो मैं हार चुका हूँ, तीनों राउंड लगातार मैं हार गया, बट अब आपका भाई करेगा यहाँ पे कम बैक। देखो अभी तो एक भी राउंड नहीं है, मतलब मैं खत्म हो चुका हूँ ये वाला मैच, में पूरा हार चुका हूँ। बट मैं फिर से स्टार्ट करने वाला हूँ, बट इस बार मैं अपने वेपन को अपग्रेड करूँगा। मुझे पता चल चुका है कि मेरा वेपन काफ़ी ज़्यादा लो पावर है, इसलिए उसको ज़्यादा डैमेज लग नहीं पा रहा है। क्वेश्चन के आंसर खैर मैं सही दे दूँगा, जल्दी जल्दी अपग्रेड कर दे, जितना होगा मैं कर दूँगा पूरा। भाई लेवल मैंने मैक्स कर दी है इसकी, अब इसकी लेवल इससे ऊपर नहीं जाने वाली है। बढ़वा मैंने शैडो की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा लगा दी है, थोड़ा सा मुझे ख़राब ही लग रहा है क्योंकि मैंने काफ़ी ज़्यादा दिनों तक इसको इकट्ठा किया था, तब जाके मेरे पास इतनी शैडो की एनर्जी थी। बट अब जीतेंगे भी तो सही यार, इतनी लगाई है तो जीतूंगा भी मैं, बट फिर से ना आ जाऊँ। कोर्ट इज इन सीजन, ठीक है कोर्ट है क्या। नेक्सस इज डिबेटिंग, भाई बार बार ये डिबेट करती है फिर मुझे हराती है। द स्पेयर बिलोंग टू शैडो आई एग्री कर रहा हूँ, इस बार एक्सेप्ट हो गया। चलो ठीक है, अब मुझे करना आ गया कि मुझे क्या करना है ना, मैं समझ चुका हूँ। पहले मैं समझ नहीं रहा था, ये जो अपना आपको दिख रहा है ना, क्या बोलते हैं भाई इसको, जॉयस्टिक, इसको अपने को इस तरफ करना है। देखो जिस तरह मैं कर रहा हूँ ना, लेफ्ट में, ठीक है चले भाई। अब तो ये हार जाएगा यार, मुझे एक और बार तगड़ा सा डैमेज देना पड़ेगा। इस बार फिर से डिबेट, शैडो माइंड इज डेंजरस, या आई एग्री बहुत डेंजर है भाई शैडो माइंड, एक्सेप्ट। तो देखो अगर मेरे क्वेश्चन का आंसर सही जाएगा ना तो मेरी हेल्थ बढ़ेगी, तो ये सही चीज़ है। बट भाई मैं इतना थोड़ी जानता हूँ शैडो फाइट के बारे में यार, मैं तो नॉर्मली खेलता था। अगर आप स्टार्ट कर रहे हो ना खेलना तो भाई ध्यान रखना है यार, जब आप उसके साथ ये वाला सीन होगा ना। आई एग्री शैडो माइंड इज़ इनोसेंट, या भाई पास हो गया आपका। चलो ठीक है, फर्स्ट वाला राउंड में जीत गया हूँ।
अगर मैं सही आंसर दूंगा ना तो मैं जीत जाऊंगा, बट अगर मेरा आंसर गलत होता है ना तो उसके बाद मैं हार जाऊंगा। तो मुझे ध्यान देना है कि जो भी मैं आंसर देता हूँ यहाँ पे एग्री करता हूँ या फिर ऑब्जेक्शन लेता हूँ, सोच समझ के मुझे वो करना है। अगर थोड़ा सा भी गलत हुआ तो फिर रिजेक्ट हो जाएगा, मेरी हेल्थ ऑटोमेटिक जाएगी। ओके सर फाइट, मैंने मेरे वेपन का डैमेज भी बढ़ा लिया है तो इसलिए सही जा रही है उसकी हेल्थ। यार कम ही जा रही है वैसे, उतनी ज़्यादा भी नहीं जा रही है जितनी मैंने उम्मीद करी थी। उसकी हेल्थ भी तक तो ऑटोमेटिक फुल हो रही है भाई, अंधा करे तो करेगा। फिर से डिबेट कर रही है, इट्स बिट्रेड हिज मेंटर, पता नहीं क्या पूछ रही भाई, ये तो मुझे समझ ही नहीं आया। मैंने पता नहीं क्या करा था, ऑब्जेक्शन करा या एग्री करा, बट जो भी था मुझे समझ ही नहीं आया वाला क्वेश्चन। सही बता रहा हूँ आपको, थोड़ा भी समझ में नहीं आया। बिट्रेड क्या है? ए टू बिट्रेड द हेरल्ड्स, पता नहीं भाई ये बिट्रेड का क्या मीन निकल रहा है वही मुझे समझ में नहीं आ रहा है। बिट्रेड का मीन समझ में आ जाए तो एक बार को, ई टू को मैं जानता हूँ बट यार बिट्रेड का क्या मीन है? फिर से डिबेट कर रही है। इट वॉज अ ट्रेंड लाइक बोलो, या एग्री कर दे क्या? चलो ठीक है, मैंने एग्री कर दिया और एक्सेप्ट कर लिया इसने मेरा आंसर, मतलब मेरा आंसर सही था। अब फिर से क्वेश्चन, द रियल इट वॉज इन इनोसेंट, या बिल्कुल इनोसेंट है, एग्री कर देते। अरे नहीं भाई, चलो ये तो पता चल गया कि इट वॉज इनोसेंट नहीं है, अपन ने एग्री कर दिया था और इसने रिजेक्ट कर दिया, मतलब अपना आंसर रॉन्ग था। चलो ठीक है, दो राउंड फिर भी मैं जीत चुका हूँ भाई, कुछ आंसर मैंने राइट दिए कुछ आंसर मैंने रॉन्ग दिए, बट जो भी है मैं यहाँ पे ये वाली फाइट को विन हो चुका हूँ। राउंड थ्री की बारी आ चुकी है भाई, द वर्ल्ड रूम को तो मैं हरा देने वाला हूँ, फाइनल वाला राउंड है। इसने मुझे तीन से हराया था ना लगातार, मैं भी इसको लगातार तीन राउंड हराऊंगा, तो मुझे आंसर सही देना पड़ेगा। डिसेंडेंट एलिमिनेटेड ई टू, आई एम सॉरी, क्या अब तो मैंने सॉरी बोलते, मैंने ही तो एलिमिनेट किया होगा उसको यार, तभी तो मैंने मारा ही होगा उसको। अच्छा मैंने ई टू को बहुत बार हराया है। फिर से डिबेटिंग, डिसेंडेंट किल्स द वर्ल्ड, इट्स नॉट मी, या हम तो नहीं है भाई, मैं ही था क्या भाई? मैंने इस वर्ल्ड को, अरे हाँ भाई मैंने एक बार इस वर्ल्ड को ख़त्म तो किया था उसको शायद हरा के यार, उसका मुझे नाम याद नहीं आ रहा है भाई। एक तो ना मुझे क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आ रहा है, डिसेंडेंट लॉस्ट द स्पेयर, इट्स ये इट्स ट्रू मैंने बोल दिया और सही किया अपना आंसर। अब एक फाइनल में इसका काम तमाम हो जाएगा, डिसेंडेंट इट्स गिल्टी, यस आई एम, भाई हम गिल्टी हैं तो या भाई फिर से एक्सेप्ट हो गया अपना आंसर। चलो ठीक है, जीत गया मैं, जीत जा या भाई। तो देखो जैसे मैंने आंसर दिया, अगर आप वैसे आंसर दोगे तो आप भी जीत सकते हो इसको। अपना वेपन काफ़ी ज़्यादा आपको तगड़ा रखना पड़ेगा, परफेक्ट तरीके से मैं विन हो चुका हूँ, मतलब मैंने थोड़ी सी भी मार नहीं खाई और मेरी ऑटोमेटिक हेल्थ भी फुल हो गई थी क्योंकि मैंने राइट आंसर दिए थे। तो बहुत ज़्यादा हार्ड है इसको हराना है क्योंकि ये क्वेश्चन पूछती है मैंने से भाई, ये कुछ मुझे रिवॉर्ड वगैरह मिल चुका है। देखो मुझे इतना दुख नहीं है इस सब चीज़ों का, चलो मैं जीत गया वो एक अच्छी बात है, मैं फर्स्ट वाली बार हार गया था वो थोड़ी सी खराब बात थी, बट यार जो मेरी इतनी सारी शुरू की एनर्जी चली गई ना वो थोड़ा सा खराब लग रहा है। रेयर की 4 कीस आपके भाई को मिल चुकी है। ये कुछ था वीडियो में, कमेंट बताना कि आपको था वर्ल्ड रूम कितनी ज़्यादा खतरनाक लगी और इसकी डिबेटिंग वगैरह कैसी लगी, जो भी क्वेश्चन वगैरह पूछती है। अब मुझे लगता है कि इट इज प्लेन की फर्स्ट वाली बॉस थी जो कि इतनी ज़्यादा खतरनाक थी, तो सोचो जो आगे आने वाली बॉस होगी वो कितनी ज़्यादा खतरनाक होने वाली है। वीडियो में मजा, वीडियो कर देना लाइक, चैनल को लेना सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस कर सकते हो। मैं मिलता हूँ किसी और मजा वीडियो में, तो तक के लिए बाय बाय।